अस्सलाम वालेकुम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में, व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव कंपाउंड। अल्कीन रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं क्यों? भैया एक बात याद रखिएगा, अल्केन के बारे में हमने कहा था, अल्केन ए एन ए जिसके लास्ट में आ रहा है, अल्केन जिसके लास्ट में क्या आता है ए एन ए, और जहाँ पर भी ए एन ए आएगा उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड होंगे सिंगल, और अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड आता है डबल। तो यही सवाल है कि अल्केन रिएक्टिव कंपाउंड क्यों होता है जबकि अल्केन रिएक्ट नहीं करते थे जल्दी, मतलब ये बड़ी जल्दी किसी चीज़ के साथ मिलकर कोई नई चीज़ बना देते हैं। मैं इसकी एक लफ्ज़ में आंसर लिखूँ ना बच्चे, इसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी शय के साथ आसानी से मिल जाते हैं, भाई डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाऊँ, मैं एक्सप्लेनेशन में जाना नहीं चाहता सही, बेसिकली आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना वहाँ पर इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की हुई है। भैया डबल बॉन्ड जो होता है ना, एक किस तरह बनता है बॉन्ड, इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। एक ना बॉन्ड इस तरह बन रहा होता है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये ऊपर नीचे बन रहा है ना ये वाला, इस बॉन्ड को हम नाम दे रहे होते हैं पाई बॉन्ड का। याद रखो ना रखो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लो सही है, इस तरह होता है बच्चे। ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये पहले वाला जो सीधा बना हुआ है ये होता है मजबूत, जो दूसरे वाला बॉन्ड होता है ना ये वाला जो इस तरह बना हुआ है ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसको आसानी से आप तोड़ सकते हो। मतलब अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड का मतलब याद रखिए, एक बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, मतलब जब आप हाइड्रोजन एटम दो को आपस में जोड़ रहे होते हैं ना, या जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं, और बॉन्ड को जाहिर करने के लिए आप दरमियान में एक लाइन लगाते हो सही है, दो इलेक्ट्रॉन को जाहिर करने के लिए एक लाइन है, तो मतलब यहाँ पर कितने लाइनें हैं, दो, मतलब चार इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दस्तयाब होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, इसलिए अल्कीन रिएक्टिव होते हैं सही है। अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड बिकॉज अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स बिकॉज, इसकी रीजन क्या होती है, बिकॉज अल्कीन्स हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। दिस डबल बॉन्ड, यहाँ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के अंदर मौजूद है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आर इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। ये रिएक्शन के लिए आसानी से दस्तयाब होते हैं, अवेलेबल का मतलब होता है दस्तयाब होना। तो ये एक सिंपल सी बात याद है, लेकिन रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान में, और जो डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आसानी से दस्तयाब होते हैं। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें वो हमने करनी नहीं है सही, क्योंकि वो जाकर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही करते हो, एफएससी में जाकर करोगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।